हे गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज ना मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से चली आई। ये है खिचड़ी बनाने वाली है मेरी मम्मी। खिचड़ी ये शॉर्ट में हम मम्मी ने, देखो पहले मैं बता दूँ कि मूंग दाल को पहले मेरी मम्मी ने बिना ऑयल को फ्राई करके रख दिया। उसके बाद बिना ऑयल को फ्राई किया मूंग दाल को। उसके बाद ये देखो धीरे धीरे ऑयल को गरम किया, एक कढ़ाई में ऑयल लेके उसको गरम किया। उसके बाद उसमें आलू पीस पीस करके काट करके उसमें ऑयल में दे दिया। अब आलू को फ्राई करने के लिए छोड़ रहे हैं। और जो जो चाहिए चीज़ सामान, ये देखो मिर्ची चाहिए 2-3 खिचड़ी के हिसाब अनुसार, टोमेटो, और ये साइड में है प्याज, सब चॉप करके रखा हुआ है। तो चलो हम इसको फ्राई होने देते हैं थोड़ा। ये पक रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये प्रॉन हम काट के रखे हैं, प्रॉन का स्किन निकाल के मम्मी रखे हैं, तो प्रॉन की खिचड़ी बनाएंगे हम, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहले से ही हम चावल को धोकर वाटर में थोड़े टाइम सोक करके रख दिया था। उसके बाद हम चावल, मसूर की दाल और मूंग दाल, ये तीनों ली है, ये तीनों लगते हैं, और घी लगते हैं, घी चाहिए होते हैं। और ये मसाला, अलग सा मसाला चाट कैसे बनाते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये जीरा, रेड मिर्ची, लाल मिर्च को पीस के अच्छे से, उसमें नमक थोड़ा सा, काला मिर्च, गोल मरीच, ये सब डाल के अच्छे से पीस करके ये मसाला बनाने जाते हैं। आप इसके सब्स्टिट्यूट आप चाट मसाला भी बना सकते हो, चाट मसाला भी दे सकते हो खिचड़ी में, ठीक है। तो गाइस चलो उस तरफ चलते हैं कढ़ाई में। देखो फ्रेंड्स, मेरे मम्मी प्रॉन में ना हल्दी, थोड़ा सा हल्की हल्दी और नमक डालकर उसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसको कढ़ाई में दे रहे हैं, इसको फ्राई करेंगे पहले। और गाइस ये ना मम्मी ने जो आलू फ्राई किया था ना कढ़ाई में, आपको दिखाई थी, ये चावल बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाटर एक बाउल में ले लिया मम्मी ने, और उसमें उस फ्राई किया हुआ आलू को इसमें डाल दिया, ठीक है। ये को इसको हम डाल दिया हम बॉयल होने के लिए, और ये फ्राई हो रहे हैं प्रॉन। देखो गाइस, मम्मी ने प्रॉन को फ्राई करके रख दिया। अब उसमें हम उसी ऑयल में हम लाल मिर्च होल और जीरा, काला जीरा हम उसमें दे दिया सौते करने के लिए। वाइट जीरा। उसमें हम अब प्याज डाल रहे हैं। इसको सौते कर रहे हैं धीरे धीरे। अब इसमें टोमेटो छोड़ दिया और ग्रीन चिली भी दे दिया, हरी मिर्च। अब इसको थोड़ा पकाएंगे धीरे धीरे। और इसमें अब थोड़ा मम्मी नमक डाल रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से। इसको हाई फ्लेम में या फिर मीडियम फ्लेम में, आपकी मर्जी, ऐसे चलाते जाना है। देखो गाइस ऐसे चला रहे हैं, इसको अच्छे से सौते कर रहे हैं। गाइस व्हाइट जीरा जो होते हैं ना, ये वाला,
ये दे दिया मम्मी ने लाल मिर्च के साथ सौते करने के लिए, मैं तब अच्छे से दिखा नहीं पाई। अब इसमें मम्मी ने दो चम्मच जिंजर पेस्ट दे दिया खाने की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। हाँ, अब इसमें हल्दी दे रहे हैं। और जीरा पाउडर, अब इसको अच्छे से चलाते जाना है। ये देखो ऐसे। इसका कलर बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आया है। देखो गाइस कैसा फैंटास्टिक कलर लग रहा है, ऐसे कलरफुल हो गए खाने सब। अब इसमें धीरे धीरे मम्मी वो चावल और मूंग दाल, मसूर दाल ऐसे सब रख के मिक्स करके रखा था ना, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं हम कढ़ाई में। अब इसको धीरे धीरे चलाना है। देख के लग रहा है जैसे बिरयानी बन रहा है, लेकिन ये बिरयानी नहीं है गाइस, ये खिचड़ी है, प्रॉन खिचड़ी। अब इसको धीरे धीरे चलाएंगे ऐसे ही। और यहाँ पे ना ये आलू बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था, ये अभी भी बॉईल हो रहा है और ये बन रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है इसको, लो फ्लेम में पकाने से खाना हो ना स्वादिष्ट बनते हैं और पूरा पक्का बनते हैं, पके हुए बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखो गाइस कलर ऐसे आएगी। अब गाइस इसमें हम प्रॉन को छोड़ दिया, अब अच्छे से चलाएंगे इसको 10 से 15 मिनट। अब गाइस इसको ना 10 से 15 मिनट सौते करने के बाद हम इसको बॉईल हुए पानी में छोड़ रहे हैं जिसमें आलू फ्राई करके दिया था, पूरा डाल दिया देखो। अब इसको पूरा डालने के बाद कलर ऐसे आएगी, देख सकते हो आप। गाइस इसको हम ना 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ रहे हैं। ओके गाइस खिचड़ी में अब थोड़े देखो अब होने वाला है, मतलब तैयार रेडी होने वाले हैं, अभी अभी रेडी हो जाएगी जल्दी से। तो इसमें हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ा था हमने बॉईल करने के लिए। अब बॉईल करने के बाद हम इसमें थोड़ा नमक डाल दिया मम्मी ने इसके हिसाब से, और साइड में आलू फ्राई हो रहे बन रहे, और थोड़ा इसमें चीनी शक्कर डाल दिया। अब फिर से इसको पकने देंगे। ये देखो गाइस कलर ना थोड़ा ऐसे आए है, साइड में आलू फ्राई बन रहे हैं हमारे। और इसमें हम देने के लिए अब धनिया के पत्ते डालेंगे, ये जो चॉप करके रख दिया मम्मी ने। अब इसको मम्मी धीरे धीरे चला रहे हैं ऐसे। इसको ना पकने जब बॉईल करने दोगे, छोड़ दोगे धीरे धीरे 10-15 मिनट बाद ना चलाओगे ऐसे। देखो गाइस मम्मी अब धनिया पत्ते को ऐसे चॉप करके डाल रहे हैं खिचड़ी में, तो गार्निशिंग के लिए और फ्लेवर के लिए। ये देख सकते हो आप। अब इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अब इस पानी को थोड़ा सूखने दे रहे हैं। अब इसमें मम्मी लास्ट गैस को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद उसमें वो चाट मसाला टाइप्स जो मसाला मैंने दिखाया था ना, वो इसमें डाल रहे हैं उस मसाले को। अब घी डाल रहे हैं इसमें। अब इसको मिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे। गाइस आप चाहो तो इसमें काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हो मुंह के स्वाद के हिसाब से। तो गाइस देखो हमारी बन चुकी है खिचड़ी,
आप घर पे भी बनाओ, मेरे साथ शेयर किया करो और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करो। ओके, थैंक यू, बाय।